भाजपा का कोई भी नेता ये हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है? आप कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आप इस देश को एक भयानक आग में झोंक रहे हैं। और ये नीचे से नहीं शुरू होता, ये ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री रैली में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक 2 रुपए के ट्रोल को भी नहीं करना चाहिए, तो उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनको विधायकों को लगता है झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, धर्मांधता फैलाओ, दंगे भड़काओ और भाजपा में प्रमोशन पाओ। क्योंकि ये सच है कि झूठ एक चैनल ने दिखाया, उस चैनल ने झूठ को हटाया, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन उसको एम्प्लीफाई करने का, उस झूठ को हवा देने का काम तो भाजपा के खुद के लोग कर रहे हैं और इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। आपका आशय नफरत भड़काना है, उस नफरत की आग में अपनी रोटियां सेकना है, लेकिन अब ये नहीं सहा जाएगा। प्यारा है उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से उजागर होते हैं। धन्यवाद हो गहलोत सरकार का जिन्होंने कड़ी कार्रवाई और डिसाइसिव एक्शन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या है? आप राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक न्यूज कैंपेन 8 सालों से चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ आप इस घटिया स्तर पर उतर आएंगे कि आप इस देश को जलाने की, आप इस देश के टुकड़े करने में भी अचकचाएंगे नहीं। देशद्रोह अगर ये नहीं है तो देशद्रोह क्या है? लेकिन एक व्यक्ति जो इस देश का मंत्री रह चुका है, जो चुना हुआ सांसद है, उनके साथ चुने हुए 2 सांसद, विधायक, ऐसे तमामों लोग क्यों ये फेक न्यूज फैला रहे हैं? क्यों ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? क्यों वो नफरत की इस आग को भड़का रहे हैं देश में? आज सवाल ये है, और सवाल मोदी जी से डायरेक्ट है कि आपने इन लोगों को, चुने हुए सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को 2 रुपए का ट्रोल बनाकर क्यों छोड़ दिया है? एक सत्य यह है कि उनके पास कुछ काम करने को नहीं है, होता सब पीएमओ से है तो बेचारे खाली बैठकर क्या करें। दूसरा सत्य यह भी है कि जितनी नफरत आप भड़काइएगा, जितना झूठ आप फैलाइएगा, जितनी गंद आप करिएगा, उतनी ज्यादा आपका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में होगा। एक IMB मिनिस्टर वो थे जिनके खिलाफ आज FIR हुई है, और एक IMB मिनिस्टर हमारे अभी प्रेजेंट है जिन्होंने जो बात दिल्ली दंगों के दौरान कही थी, हंसकर कही थी, उनकी पदोन्नति हो जाती है। तो आज सवाल यह है कि सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है, हाँ उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट करी, हाँ ट्विटर ने उसको सर्कल करके कहा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, उसको दिखाया कि ये गलत दिखा रहे हैं, लेकिन डैमेज हो चुका है। और अब मैं एक तथ्यात्मक बात आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाना, सोशल मीडिया पे फर्जीवाड़ा करना एक बात है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप आतंकियों के साथ मिलकर करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना सेंसिटिव माहौल है आज देश का, इतना धर्मांधता के चलते क्या हो रहा है देश में हम सब देख रहे हैं, और आपकी हिम्मत होती है कि आप विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़कर उनके खिलाफ एक फर्जी वीडियो ट्वीट करेंगे? आप चुने हुए सांसद हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द फॉल फॉर ग्रेस, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। आप एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस है वो अभी भी चल रहे हैं उस फर्जीवाड़ा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप धर्मांधता की आग को, उन्माद की आग को भड़का तो रहे ही हैं। आप राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़ रहे हैं, और इस मंच से हम जरूर पूछना चाहते हैं, भाजपा का कोई भी नेता ये हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। एक नौजवान जब वापस आया इस देश में, तो उसको अपने पिता के शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए? कल तेलंगाना में बड़ी रैली करते हैं, 28 मिनट 21 सेकंड
जबानी जमा खर्च करते हैं और इस देश में शांति के लिए दो शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसका नतीजा है कि उनके लोग, उसका नतीजा है कि आज चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायकों को लगता है कि जितना झूठ फैलाओगे, जितनी धर्मांधता फैलाओगे, जितनी नफरत भड़काओगे, उतना आपका प्रमोशन होगा। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस देश के चुने हुए सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, खुद प्रधानमंत्री जी लोग फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए करते हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी का नतीजा है कि हम न्याय संगत जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी जरूर बात करेंगे, क्योंकि यह सच है कि झूठ एक चैनल ने दिखाया, उस चैनल ने झूठ को हटाया, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन उसको एम्प्लीफाई करने का, उस झूठ को हवा देने का काम तो भाजपा के खुद के लोग कर रहे हैं और इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। आज अपील होनी चाहिए, आपके जो नेता प्रतिपक्ष है वो बैठकर अशोक गहलोत जी की सर्वदलीय बैठक में उसकी भर्त्सना करते हैं, अपना सहयोग बताते हैं, प्रशंसा करते हैं अशोक गहलोत की सरकार ने कैसे एक्शन लिया। और अगर आप मुझसे पूछिए तो राजस्थान ने एक गोधरा होने से बचा लिया जो मोदी जी 2002 में नहीं बचा पाए थे। आपके नेता प्रतिपक्ष ये करते हैं और आपके जयपुर के सांसद और पूर्व मंत्री आके हिंसा भड़काने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आशय क्या है? आज सवाल ये है, आपका आशय नफरत भड़काना है, उस नफरत की आग में अपनी रोटियां सेकना है, लेकिन अब ये नहीं सहा जाएगा, ना ये पब्लिक डिस्कोर्स में सहा जाएगा, ना ये मेनलाइन मीडिया में सहा जाएगा और ना ये सोशल मीडिया में सहा जाएगा। और खास तौर से अगर आपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, और परिणाम भुगतना जरूरी है, क्योंकि आप दो रुपल्ली के ट्रोल अगर बनने को तैयार हैं तो जो दो रुपल्ली के ट्रोल के साथ होना चाहिए वही आपके साथ न्याय संगत कानूनी कार्यवाही होगी। एक जगह धर्मांधता के चलते बर्बरता पूर्वक एक हत्या होती है, उस जो हत्यारा है उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से उजागर होते हैं। धन्यवाद हो गहलोत सरकार का जिन्होंने कड़ी कार्रवाई और डिसाइसिव एक्शन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या है? आप इस देश को क्यों नफरत की आग में झोंक रहे हैं? और ये सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने ये झूठा वीडियो दिखाया था वो सिर्फ राजस्थान फोकस नहीं है। जिस टीवी चैनल ने ये झूठा वीडियो दिखाकर माफी मांगी वो सिर्फ राजस्थान में नहीं दिखाया जाता है, वो पूरे देश में दिखाया जाता है। ये सोशल मीडिया से पूरे देश में प्रचारित करने की बात थी। आप राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक न्यूज कैंपेन 8 सालों से चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ आप इस घटिया स्तर पर उतर आएंगे कि आप इस देश को जलाने की, आप इस देश के टुकड़े करने में भी अचकचाएंगे नहीं। देशद्रोह अगर ये नहीं है तो देशद्रोह क्या है? और इस देशद्रोह के खिलाफ देश भर में नहीं और हमें ही नहीं, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है। आप कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आप इस देश को एक भयानक आग में झोंक रहे हैं, और ये नीचे से नहीं शुरू होता, ये ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री रैली में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक 2 रुपए के ट्रोल को भी नहीं करना चाहिए, तो उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनको विधायकों को लगता है झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, धर्मांधता फैलाओ, दंगे भड़काओ और भाजपा में प्रमोशन पाओ। इसलिए इसके खिलाफ बोलना जरूरी है और हम बोलेंगे।